बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नीट को लेकर देश भर में हंगामा बढ़ता जा रहा है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं और नीट परीक्षा गड़बड़ी की आंच अब प्रयागराज तक भी पहुंच चुकी है। बता दें कि जांच करने बिहार पुलिस प्रयागराज पहुंची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नीट परीक्षा को लेकर जो छात्रों की नाराजगी है और गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पेपर को रद्द करने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जांच है वो भी आगे बढ़ती जा रही है। बिहार पुलिस अब देखिए प्रयागराज पहुंची हुई है, नीट को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कई सबूत, कई साक्ष्य नीट परीक्षा को लेकर प्रयागराज से भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, जगहों से नीट परीक्षा को लेकर तमाम सबूत, तमाम लोगों को संदिग्ध माना गया है, जिसके बाद हालांकि गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन लगातार जांच भी आगे बढ़ती जा रही है। और इसी मुद्दे पर अब बिहार पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है जांच करने के लिए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि नीट परीक्षा गड़बड़ी की आंच अब प्रयागराज भी पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार पुलिस अब देखिए प्रयागराज पहुंची है। कुछ साक्ष्यों के तहत जो सबूत मिले हैं, जिस तरीके से लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो तमाम साक्ष्यों के साथ में अब प्रयागराज में भी इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि और किन किन लोगों का जो हाथ है वो इस परीक्षा में रहा है, पेपर लीक में रहा है, और कितने गैंग इस परीक्षा में शामिल रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर, लेकिन अभी ये जानना बेहद जरूरी है कि इसकी तैयारी कब से चल रही थी, ना जाने कितने लोग इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर संलिप्त पाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ देश भर में हंगामे की बात करते हैं तो छात्रों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए और समय भी बढ़ता जा रहा है। पूरा मामला एक तरफ जहां कोर्ट पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार से लेकर झारखंड की बात करें, गोधरा की बात करते हैं, पटना की अगर हम बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ही बात करें, तमाम ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जानना होगा कि आखिरकार प्रयागराज से वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बिहार पुलिस प्रयागराज किस लिए पहुंची हुई है, तमाम जानकारी देने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सौरभ, बिहार पुलिस जो है वो प्रयागराज पहुंची है, लेकिन किस लिए, क्या साक्ष्य मिले हैं और किस तरीके की जांच प्रयागराज में आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले बताया जाऊंगा कि जिस तरह से आरओ और एआरओ परीक्षा के जो यहाँ पर जो संदिग्ध अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं अभी दो दिन पहले परेड ग्राउंड से जो गिरफ्तार किया था, उसी मामले में लगातार कड़ी पूछताछ की और उसके बाद ये पता चलता है कि इनका जो गिरोह है वो बिहार तक है। तो यहाँ पर बिहार पुलिस अब पहुंच चुके हैं और कई जगह पर जो है लगातार एसटीएफ के साथ लेकर जो है वो छापेमारी कर रही है। अगर बात करें हम इस पूरे परीक्षा पेपर लीक की मास्टरमाइंड की, तो राजीव नयन मिश्रा था, जिसका जो घर है वो प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर दूर मेजर क्षेत्र में स्थित है। वहां पर भी जो है टीम लगातार दबिश कर रही है, क्योंकि देखिए कई लाख छात्रियों का सवाल है कि इस तरह से पेपर लीक करने वाले लोगों पर क्या लगाम कसी जाए। हालांकि योगी सरकार ने भी इस पर जो है अपने मैनिफेस्टो में इस बार जो कहा है कि जो पेपर लीक हो रहा है उस पर इस बार सरकार सख्त से सख्त नियम बनाती हुई दिखती नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्रों के साथ किस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, जब जगह जगह पर जो है पुलिस छापेमारी कर रही है, उसके बाद भी अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें एसटीएफ की टीम की, बात करें हम पुलिस की, बात करें तो कहीं ना कहीं इनके हाथ भी जो है वो अभी खाली आ रहे हैं। लेकिन अभी दो दिन पहले एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, प्रयागराज से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें की प्रयागराज के 2 लोग मुख्य आरोपी है, पहला राजीव नयन मिश्रा और दूसरा सुनील रघुवंशी। ठीक है, लेकिन अभी नीट परीक्षा को लेकर देखिए तमाम गैंग के नाम सामने आ चुके हैं, तमाम लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर कुल गिरफ्तारी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, और बिहार पुलिस ने कोई जानकारी अब तक दी है कि प्रयागराज में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, या फिर किस किस जगहों पर, कहाँ कहाँ पर अभी छापेमारी हो सकती है या फिर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, अगर एआरओ और आरओ और नीट की परीक्षा की बात करें हम, तो एआरओ और एआरओ परीक्षा में 6 लोगों को परसों ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, यहाँ पर छात्रों ने काफी जो है दबाव बनाया हुआ है, अभी तक जो है
नीट के परीक्षा जो पेपर लीक करने वाले जो आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और बिहार पुलिस इसीलिए यहाँ पर पहुंची हुई है कि वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है, लोग कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नीट जो पेपर लीक मामला हुआ है उस पर अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अगर वही बात करें हम आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर उस पर भी पूछताछ करी चल रही है और उस पर भी एसीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि छह को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी बिहार पुलिस जो है यहाँ पर जो है कई जगह पे जो है छापेमारी कर रही है, तलाश कर रही है कौन ऐसे जो अभियुक्त है जो जिन्होंने पेपर लीक मामले को ऐसा चैलेंज दिया और जिसके जो छात्र जो जिसकी भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं आखिर उन पर कैसे नकेल कर दी जाए। तो अभी देखिए अगर कुछ देर इंतजार करना होगा, हमारे पास जो अभी का अपडेट आएगा वो हम आपको इसकी खबर के माध्यम से बताएंगे। तो लगातार देखिए छापेमारी चालू है। नीट परीक्षा की अगर हम बात करें सौरभ, तो इसके तार कहीं ना कहीं एक जगह से या किसी एक लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। राजस्थान से लेकर सोचिए पटना की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, झारखंड की बात करें, अलग अलग जगहों से तमाम जानकारियां निकलकर अब तक सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर हम सबसे बड़ा रोल किसका रहा नीट परीक्षा पेपर लीक हुए, तो इसके बारे में कोई जानकारी कि सबसे बड़ा रोल किसका रहा और किसकी वजह से ये पूरा का पूरा पेपर जो हुआ वो लीक किया गया, प्रिंटिंग प्रेस की भी हालांकि बात सामने आई थी। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा बिहार जो पुलिस है वो लगातार यहाँ की पुलिस जो है वो कंफर्मेशन कर रही है और उन्हीं की मदद से एसटीएफ की टीम हो चाहे प्रयागराज पुलिस की टीम हो चाहे बिहार पुलिस हो, वो तीनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें परीक्षा पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक कोई एक आदमी के बस का काम नहीं है, इसमें काफी गिरोह जुड़े होते हैं। जैसे अभी आपने बात किया प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि राजनीति जो मुख्य है वो आरओ एआरओ का जो मुख्य आरोपी पेपर लीक मामले में जो पकड़ा गया है वो भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से काम करता था और वहीं से पेपर लीक का जो मामला है वो धीरे धीरे सामने खुलता हुआ नजर आया है। तो उसी तरह नीट की पेपर लीक मामले में लगातार जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है और लगातार छापेमारी भी कर रही है कि आखिर पेपर लीक जो मामला है वो कहाँ से निकला है और इसके पीछे कितने गिरोह जो है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार पुलिस इसीलिए प्रयागराज पहुंची है कि वो एसटीएफ की मदद और प्रयागराज की मदद से वो जगह जगह छापेमारी कर रहे और जहाँ जहाँ पेपर के जो सेंटर बनाए गए थे, एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, वहां पर भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर यहाँ तक जो है पेपर लीक कैसे पहुंचा, क्योंकि पूरी यहाँ छात्र तैयारी करते हैं, दूर दूर से छात्र तैयारी करते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें हम पेपर लीक तो वहां से पढ़ने बच्चे आते हैं, गांव से पढ़ने आते हैं, वो एक ठीक है। देखिए जांच तो आगे बढ़ रही है लेकिन फिलहाल देखना होगा कि और कितने ज्यादा सबूत और साक्ष्य नीट परीक्षा को लेकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी देने के लिए।